बीजेपी के दिग्गज नेता और कुशल राजनेता सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं हैं और बची हैं तो सिर्फ उनकी यादें। वो अपने पीछे अपनी ऐसी कई यादें छोड़ गईं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसी ही कुछ यादें धार जिले के अमझेरा से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें याद कर अमझेरा के लोग नम आँखों से सुषमा जी को याद करते नजर आए। और इसकी वजह है अमझेरा से सुषमा स्वराज का वो खास रिश्ता जो उनके पति कौशल स्वराज के कारण जुड़ा हुआ है। दरअसल सुषमा स्वराज के पति कौशल स्वराज के नाना अमझेरा के ही रहने वाले थे और कौशल का बचपन भी अमझेरा की गलियों में ही बीता। वो नाना के घर रहकर पढ़े और जब शादी हुई तो पहली बार साल 2003 में सुषमा स्वराज के साथ अमझेरा आए। अपने पुराने दोस्तों रिश्तेदारों से सुषमा स्वराज को मिलवाया। इस दौरान अमझेरा के रहने वाले लोगों से जो प्यार सुषमा जी को मिला वो उससे अभिभूत हो गईं और इसके बाद से ही उनका अमझेरा से एक अलग रिश्ता जुड़ गया। उन्होंने सांसद रहते अमझेरा को कई सौगातें दीं। अमझेरा से सुषमा स्वराज का रिश्ता कितना गहरा था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमझेरा के रहने वाले लोग या तो उन्हें दीदी बुलाते थे या फिर भाभी कहते थे। और अब जब सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर अमझेरा पहुंची तो वहां मातम छा गया। हर कोई उदास था और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। आदरणीय सुषमा जी स्वराज का निधन समस्त अमझेरा के नागरिकों के लिए, देश के लिए एवं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। सुषमा जी का यूँ अचानक से चले जाना, हम सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। जब वो बीमारी से जूझ रही थी उस दौरान उनसे हमें मिलने का मौका मिला था और उस बीमारी से संघर्ष करके वो बाहर निकल चुकी थी और स्वस्थ हो गई थी और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी। और फिर यकायक उनका यूँ चले जाना एक बहुत बड़ा आघात है। दिवंगत सुषमा स्वराज का नाता धार जिले के अमझेरा गांव से भी रहा है। उनके पति कौशल स्वराज की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा पहली से लेकर छठी तक अमझेरा में ही हुई है। अमझेरा में रहने के कारण सुषमा स्वराज का काफ़ी अमझेरा को लेकर लगाव रहा है। वे कई बार राजा बख्तावर सिंह के शहीद दिवस कार्यक्रम में आकर शामिल हुई हैं। उन्होंने जब इंदौर दाहोद रेलवे लाइन यहाँ से गुजर रही थी उसमें अमझेरा की उपेक्षा कर दी थी। उस दौरान वे एक दल को लेकर तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव से मिली थी। इसके अलावा जब भी सुषमा स्वराज अमझेरा आती वे अंका झमका मंदिर और अभिनव स्कूल की छात्राओं से बड़ी आत्मीयता से मिलती। अमझेरा के रवि पाठक का कहना है कि अमझेरा को लेकर के उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। वहीं उनके पति कौशल स्वराज के मित्र पुष्कर दीक्षित का कहना है कि सुषमा स्वराज जब भी अमझेरा आती थी प्रोटोकॉल को तोड़कर वे बड़ी सहजता से लोगों से आत्मीयता से मिलती थी और उन्हें काफ़ी अमझेरा आज याद कर रहा है। धार से फिरोज खान के साथ अमित एस मंडोई।